हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी जो SBI द्वारा निकाली गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। क्लर्क की पोस्ट है। दोस्तों, आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और फॉर्म भरने के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। जॉब जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई है। पोस्ट नेम की बात करें तो जूनियर एसोसिएट्स की पोस्ट है, कस्टमर सपोर्ट और सेल्स की। अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने का जो डेट है 12 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रहा है, तथा इसका लास्ट डेट जो है 3 मई 2019 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और अभी बताएंगे फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेट के लिए वैकेंसीज हैं। आइए बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो जनरल के लिए 3,646 वैकेंसी हैं, EWS के लिए 847 वैकेंसी हैं, SC के लिए 1,357 वैकेंसी हैं, तथा ST के लिए 793 वैकेंसी हैं और OBC के लिए 1,950 वैकेंसी हैं, तथा टोटल जो है 8,593 वैकेंसी हैं। दोस्तों, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए किसी भी फील्ड में। और एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो है 28 साल है, यानी कैंडिडेट की एज जो है 20 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का है, OBC कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन 3 साल का है, तथा PWD जनरल और EWS के लिए 10 साल के एज रिलैक्सेशन है और PWD SC ST के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, तथा PWD OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। ये बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें प्री एग्ज़ाम होगा और मेन एग्जामिनेशन होगा। फेज वन में जो है प्री एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 नंबर का। इसमें टोटल 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के। इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, जिसके लिए 20 मिनट का टाइम है, तथा न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, जिसके लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, जिसके लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा टोटल। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है। दोस्तों, फेज टू में मेन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 4 पेपर होंगे, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, जनरल इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, जिसके लिए 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तथा जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, जिसके लिए 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, जिसके लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तथा रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, जिसके लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 190 होंगे और 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तथा 2 घंटे 40 मिनट का टाइम होगा, तथा इसमें 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो स्टेट बेसिक पे जो है 13,075 रुपये है, 11,765 रुपये प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट, तथा टोटल जो स्टार्टिंग पेमेंट है जो क्लरिकल कैडर के लिए 25,000 रुपये पर मंथ है, इंक्लूडिंग DA और अदर अलाउंस। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 125 रुपये फीस है, तथा जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये फीस है। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। फिर भी अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप SBI के हेल्प डेस्क टेलीफोन नंबर 02202228204 27 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक। अब बात करते हैं कॉल लेटर की। तो प्री एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तथा मेन एग्ज़ाम के लिए 4th वीक ऑफ जुलाई से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। मैंने इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप नए हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, जिससे एक नया टैब खुल जाएगा। आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, फिर नेम को कन्फर्म करना है, मिडिल नेम, कन्फर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, कन्फर्म लास्ट नेम और फुल नेम डालना है।
उसके बाद अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी है और ईमेल आईडी आपको कंफर्म करना है और सिक्योरिटी कोड फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद बाकी डिटेल्स करनी है, उसके बाद बाकी डिटेल्स फिलअप करनी है और पेमेंट कर देना है। दोस्तों अगर फॉर्म फिलअप करते हुए कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।